अरे मैडम आप ये क्या कर रहे हो? नोट निकाल रही हो? तुझे बताऊं कैसे निकालते हैं? ये देख, नोटों के बीच में इस पेन को घुसाकर इसे ऐसे रोल रोल घुमाकर ये रहा। पर मैडम ये तो गलत है ना, चोरी करना सही बात नहीं है। हेलो, मुझे मत सिखा कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। चुपचाप से अपना काम कर, पानी रख और निकल यहाँ से। मैडम जो आप ये कर रहे हो ना, मैं अभी जाके बॉस को बताता हूँ। अबे ओ, बॉस को बताने की धमकी क्या दे रहा है? शायद तुझे पता नहीं है कि मैं बॉस की फेवरेट एम्प्लॉई हूँ। अगर मैंने तेरी शिकायत उनसे की ना, तो उन्हें 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे काम से निकालने में। और फिर तुझे इस कंपनी में क्या, शहर की किसी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मैडम, आप ऐसा मत करना, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। लेकिन मैडम आप जो ये सब कर रहे हो ये गलत है, ऐसे मालिक के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। क्या सही है और क्या गलत, इसका पार्ट ना तुम मुझे मत पढ़ा, समझ में आई बात? जाकर अपना काम कर, इससे पहले कि बॉस आ जाए मुझसे कैश मांगने के लिए। लेकिन मैडम आप ये सब कर क्यों रहे हो? मेरी माँ के इलाज के लिए, मेरी माँ का ऑपरेशन होना है और मुझे जितनी सैलरी मिलती है उससे तो घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से चल पाता है, और सरकारी हॉस्पिटल में मैं उनका इलाज नहीं करवा सकती। मैं उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना चाहती हूँ, और वैसे भी ये पैसे जब क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो वो गिनते नहीं हैं, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। मैडम आपका इरादा तो ठीक है, लेकिन आपका तरीका बहुत गलत है। राजू मुझे मत सिखा कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत, चुपचाप अपना काम कर, पानी रख और जाए यहाँ से। और हाँ, खबरदार कि तूने बॉस को बताया कि मैंने पैसे चुराए हैं। हेलो, मैंने तुझे समझाया था ना कि मम्मी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करवाना है, क्यों लेकर जा रहा है तू उन्हें? क्या ये क्या बोल रहा है तू? प्राइवेट हॉस्पिटल, तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? क्या राजू, राजू के पास इतने पैसे कहां से आए? वो तो हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। क्या बोल रहा है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं अभी रखती हूँ, मैं बात करती हूँ। राजू, 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 ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने मेरे माँ के इलाज के लिए 2 लाख रुपए भेजे, अभी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, कॉल आया था उनका, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ मैडम, वो पैसे मैंने ही भेजे थे, मैंने वो पैसे इकट्ठा किए थे अपने गांव भेजने के लिए। लेकिन जब आपने कल मुझे बताया आपकी माँ का इलाज होना बहुत जरूरी है, तो बस इसलिए मैडम मैंने सोचा इन पैसों की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है, तो इसलिए मैंने वो पैसे आपके घर भेज दिए थे। राजू तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुम इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो, तुम्हें कितनी सैलरी मिलती होगी, पर तुमने अपनी सेविंग्स में से मेरे माँ के इलाज के लिए पैसे दिए। मैंने तुम्हें कितना गलत गलत बोला, पर फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, तुमने मेरी माँ की जान बचाई है। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो आप ये चोरी करना छोड़ दीजिए, ये बहुत गलत बात है। मैं तो बस ये चाहता था कि आप मालिक को धोखा ना दें, क्योंकि मालिक के ऑफिस की वजह से ही हमारा घर चलता है। और हाँ मैडम, अगर आप ये चोरी करना बंद कर दोगे तो मैं ये सोचूंगा कि मैंने किसी इंसान को इंसानियत सिखा दी। मैं तुम्हारी सोच को सलाम करती हूँ, आजकल तुम्हारे जैसे इंसान मिलते कहाँ हैं? तुम्हारी सोच बहुत नेक है, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरी माँ का इलाज हो जाएगा और वो अब ठीक हो जाएंगी। राजू मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं मैडम, ठीक है मैडम मैं चलता हूँ। अरे राजू इतनी भी क्या जरूरी बात करनी थी जो तुझे मुझसे मिलने के लिए घर पे आना पड़ा? सर दरअसल बात ऐसी है, जो हमारे ऑफिस में सोनाली मैडम है ना, वो ऑफिस में पैसे चोरी करती है। क्या सोनाली ये सब कर रही है? अगर वो चाहती तो मुझसे पैसे आकर मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सर उनकी माँ बहुत बीमार है और उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है, और मैंने जब उनसे पूछा आप चोरी क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूँ,
और साहब उन्होंने मुझे धमकी भी दी, अगर मैंने आपको बताया तो मुझे जॉब से निकलवा देंगी। तो साहब मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसका तरीका गलत है, उसका इरादा गलत नहीं है, और कौन नहीं चाहता कि उसके माँ बाप सलामत ना हो, फिर भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तू एक काम कर, मैं तुझे कुछ पैसे देता हूँ, उसके घर पे दे देना ताकि उसकी माँ अच्छे से ठीक हो पाए। ये क्या बोल रहे हो सर आप? आपको तो उसे नौकरी से निकालना चाहिए और उल्टा आप तो उसकी मदद कर रहे हो। देख, हर एक आदमी का समझाने का तरीका अलग होता है। अगर मैं उसको डांटता हूँ और जॉब से निकालता हूँ तो यही हरकत वो कहीं और जाके करेगी, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो कभी चोरी ना करे, और चोरी करना कितनी गलत बात है, और कभी भी अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए मैं तुझसे ये कह रहा हूँ तो यहाँ से पैसे लेके जा और उसके घर पे दे दे। और ये खबर उसको कानों कान नहीं होनी चाहिए कि उसकी मदद मैं कर रहा हूँ, उसकी मदद तुम करोगे। क्या मैं साहब? हाँ, उसकी मदद तुम ही करोगे, और जब तुम पैसे दोगे ना उसे, तब वो तुमसे बोलेगी कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, और तभी तुम उसको बोलना कि मैडम जी कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, और अपने बॉस के प्रति सदा लॉयल रहना चाहिए, ना कि उसके साथ बेईमानी करनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ठीक है साहब, जैसा आप बोलो।